गुड मॉर्निंग एवरी वन. बेटा दिस इज़ योर ईवीएस पीरियड एंड टुडे वी विल रीड आर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, ऑक्यूपेशन. द नेम ऑफ चैप्टर इज ऑक्यूपेशन एंड इन दिस चैप्टर व्हाट टू वी लर्न मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ वर्क. अब आपने ये देखना है बेटा, हु इज़ ही? ही इज़ अ फार्मर. हमें कैसे पता चला कि ही इज़ अ फार्मर? इन्होंने क्या ले रखा है हाथ में? हल. ठीक है, हिंदी में कहते हैं ना हल, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी खेती करते हैं, उसको जोतते हैं, मिट्टी निकालते हैं, खड्डा खोदते हैं, होता है ना. ये कौन है? क्लीनर. क्लीनर कौन होता है? जो क्लीनिंग करता है. हु इज शी? शी इज़ अ डॉक्टर. अब इन्होंने क्या पहना हुआ है? देखो, डॉक्टर का कोट पहना हुआ है और गले में अपना ले रखा है. सॉरी. अब ये कौन है? ट्रैफिक पुलिसमैन. हमें कैसे पता चल रहा है कि ट्रैफिक पुलिसमैन है? इनके हाथ में क्या है? एक स्टिक है. इन्होंने ट्रैफिक पुलिसमैन वाली यूनिफॉर्म पहनी है. ओके, नाउ वी विल रीड द चैप्टर. डियर चिल्ड्रन, मैनी पीपल वर्क फॉर अस टू मेक आर लाइफ ईजी. अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्क करते हैं बेटा हमारी लाइफ को इजी करने के लिए. होते हैं ना, आपके घर में हेल्पर्स होते हैं, आपके घर में सफाई करने भी आते हैं, जो गली में आपकी हॉकर्स होते हैं जिनसे आप सब्जियां भी लेते हो. होते हैं ना, आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, वो आपकी हेल्प करते हैं. आप स्कूल में टीचर्स हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं. ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द वर्क डन बाय दीज पीपल फॉर अस. वट वी हैव टू डू, वी शुड रिस्पेक्ट देम. हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. और देयर आर सम रीकैप क्वेश्चंस मैम विल आस्क फ्रॉम यू एंड यू विल थिंक. ओके, रीड दिस सेंटेंसेस एंड नेम द पीपल. द पर्सन who treats us when we fall sick. अभी मैम ने आपको बताया, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो where we will go? Doctor. Where we will go? Doctor. The person who teaches us in school. जरूरी नहीं है स्कूल में. Now ma'am is at home, but ma'am is teaching you. So who am I? I am teacher. ठीक है बेटा, और मम्मा भी आपकी या टीचर हो सकती हैं, क्योंकि मम्मा भी आपको पढ़ाती हैं ना. टीचर डॉक्टर. हु? द पर्सन हु कैचेस थीव्स एंड रोबर्स. थीव्स क्या होते हैं? चोर. रोबर्स क्या होते हैं? डाकू. कौन होते हैं वो पर्सन जो पकड़ते हैं थीव्स को, रोबर्स को? पुलिसमैन. और पुलिस वूमेन भी हो सकती है बेटा. ठीक है, द पर्सन हु मेंड्स आवर शूज. मेंस मीन्स जूते ठीक करना. मेंस आर शूज. आपने पोएम सुनी है, कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज, होती है ना. तो कॉबलर, कॉबलर होते हैं जो हमारे जूते ठीक करते हैं. द पर्सन हु सेल्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब जो वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो कौन होते हैं? ग्रीन ग्रोसर. ग्रीन ग्रोसर. ओके, द पर्सन हु वर्क्स इन द गार्डन. अब वो पर्सन जो गार्डन में काम करता है कौन होता है? गार्डनर. यस, द पर्सन हु वर्क्स इन अ गार्डन, ही इज अ गार्डनर. अगेन वी आर रिवाइजिंग फास्ट. द पर्सन हु टीचस अस व्हेन वी फॉल सिक, डॉक्टर. द पर्सन हु टीचस अस इन स्कूल, टीचर. द पर्सन हु कैचेस थीव्स एंड रॉबर्स, पुलिसमैन. द पर्सन हु मेंड्स आवर शूज, कॉबलर. द पर्सन हु सेल्स फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल. जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल बेचता है बेटा उसको हम कहते हैं ग्रीन ग्रोसर. द पर्सन हु वर्क्स इन द गार्डन, गार्डनर. ओके, नाउ मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन. लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. डिस्कस. अब ये दिस इज योर होमवर्क. ओके, थिंक फर्स्ट, थिंक एंड देन राइट, अदरवाइज मैम विल टेल यू. पहले आप खुद लिखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आता तो मैम विल टेल यू. ठीक है, चलो
अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन होता क्या है? पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट होम लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स. हर जो सब लोग होते हैं अलग अलग काम करते हैं घर पे, कुकिंग भी करते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स भी करते हैं, सब करते हैं. बट व्हेन दे वर्क टू अर्न मनी. अब देखो कुछ लोग हैं अपने घरों में काम करते हैं, ठीक है, सफाई करते हैं, लेकिन अगर वो बाहर जाकर किसी के घर की सफाई कर रहे हैं, किसी के घर में कपड़े धो रहे हैं, तो जो दूसरे लोग होंगे उनको पैसे देंगे? बेटा कुछ मनी देंगे ना. अगर आपके घर में आपके हेल्पर्स आपकी मॉपिंग द फ्लोर के लिए आती है, आपके घर में पोछा लगाने के लिए आते हैं, आपका खाना बनाने के लिए आते हैं, आपके कपड़े धोने के लिए आते हैं, तो आप उनको कुछ पैसे दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना. तो ये क्या है? उनका ऑक्यूपेशन, ये उनका काम है, जिस काम को करने से उनको पैसे मिलते हैं. वी से दैट दे आर फॉलोइंग एन ऑक्यूपेशन, ठीक है, इट मीन्स कि वो कुछ काम कर रहे हैं. अब देखो प्रोफेशन, PRO प्रोफेशन, FESSION, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज अ पेड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल. अब किसी काम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होता है. अब डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है? नो. उसको डॉक्टर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, उसको पढ़ाई भी डॉक्टर की करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी. तो ये क्या है हमारा? प्रोफेशन. जब किसी वर्क के लिए बेटा हमें प्रोफेशन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, दैट इज़ प्रोफेशन. अब मैम इज़ अ टीचर, ठीक है, तो टीचिंग के लिए भी एक ट्रेनिंग लेनी होती है, तो टीचिंग भी प्रोफेशन. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल, लीगल एंड टीचिंग. लीगल क्या होते हैं? आपने लॉयर के नेम सुने हैं? वकील होते हैं, जज होते हैं, सुने हैं? तो ये सब कौन होते हैं? लीगल. ओके, अब आपको क्या करना है बेटा? यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल दिस पेज. ओके, अच्छे से इसको रीड करेंगे. मैम विल आस्क डिफरेंस फ्रॉम यू बिटवीन ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. मैम पूछेंगी आपसे डिफरेंस दोनों के बीच में. ओके, टिल नाउ बाय बेटा.